देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद महेंद्र सोलंकी के ऊपर एफआईआर दर्ज। सांसद ने लगाए एसपी के ऊपर अवैध निर्माण कार्य करवाने का आरोप। देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद महेंद्र सोलंकी ने बताया कि देवास एसपी के द्वारा पुलिस चौकी का अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसको लेकर व्यापारी और कार्यकर्ताओं ने मेरे पास फोन लगाया, तो मैंने एसपी को फोन लगाया। एसपी ने फोन नहीं उठाया, जिसके बाद मैं निर्माण कार्य का मौका मुआयना करने पहुंचे, जहां पर मेरे कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा अवैध निर्माण पुलिस चौकी की दीवार को ढा दिया गया। लेकिन देवास एसपी के द्वारा मेरे ऊपर व मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। अगर निर्माण कार्य नहीं रुका तो मैं एसपी के खिलाफ धरना आंदोलन करूंगा। किशोर नाथ राजगुरु की रिपोर्ट। धाराएं उसमें 353 है, अन्य भी कई तरह की धाराएं हैं, संपत्ति से जुड़ी हुई भी धारा है। क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि एक महीने पहले मेरे पास एक कार्यकर्ता आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी दुकान के सामने अवैध चौकी का निर्माण किया जा रहा है। मैंने एसपी साहब से बात किया, उनसे मैंने पूछा कि ये जो निर्माण कार्य किया जा रहा है इसकी परमिशन आपने ले ली? तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं परमिशन ले ली है और जो भी कार्रवाई चल रही है वो लॉफुल चल रही है, तो विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि एक बार आप बैठ जाओ, व्यापारियों को अपन बैठा लेते हैं, क्योंकि एक व्यापारी की दुकान के सामने चौकी थी, वहाँ से स्थान बदल के ये चौकी बना रहे हैं, वो भी 4 गुना बड़ी, तो विवाद स्वाभाविक था, व्यापारियों में भी आपस में विवाद हो रहा था। तो मैंने एसपी साहब से कहा था कि आप आ जाओ, अपन बैठ जाते हैं, व्यापारियों को बुला लेते हैं और इस मामले को निपटा लेते हैं। इसके बाद फिर उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। 24 तारीख को मैंने उनको 5 बार फ़ोन लगाया, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने 25 को भी फ़ोन लगाया, फिर 1 तारीख को फ़ोन लगाया, परेशान होकर फिर मैंने कल उन्होंने 10-12 बार फ़ोन लगाया, तो उनका 11 बजे उन्होंने फ़ोन उठाया और वो कहते कि मैं अभी नहा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आप 5 दिन से स्नान कर रहे हैं क्या भाई? मैं 5 दिन से परेशान हो रहा हूँ, आप मेरा फ़ोन उठाओ, मैं लोक प्रतिनिधि हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ। तो उनका कहना था कि मेरी ड्यूटी नहीं कि मैं आपका फ़ोन उठाऊँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोक सेवक हैं और आप अपनी सैलरी लेते हैं, ऐसी स्थिति में आपका दायित्व तो बनता है कि आप लोक सेवक का के नाते जनप्रतिनिधि का फ़ोन उठाएँ और उसको संतुष्ट करें। उन्होंने बोला कि मेरी ड्यूटी में शामिल नहीं है, इसलिए मैं आपका फ़ोन काट रहा हूँ, ऐसा बोल के फ़ोन काट दिया। मैंने उन्हें फिर फ़ोन लगाया, उन्होंने मेरा फिर फ़ोन काट दिया। इसके बाद फिर मैं मौका मुआयना करने के लिए, जब उन्होंने मेरी फ़ोन पे बात नहीं सुनी तो मैं स्वयं मौका मुआयना करने के लिए स्पॉट पे गया। वहाँ पे निर्माण कार्य के लिए तैयारी चल रही थी, मैंने केवल निर्माण कार्य को देखा, मौका मुआयना किया और मैंने सोचकर मैं आगे बढ़ गया कि इसमें आईजी साहब से बात करूँगा। एसपी साहब ने 5 लाख रुपया एक व्यापारी से इस चौकी के निर्माण कार्य के लिए ले भी चुके हैं। आपका आरोप है? सीधा आरोप नहीं है, ये मैं सबूत के साथ बता सकता हूँ। आरोपी उसका नाम क्या है? इस पुलिस सहायता केंद्र के निर्माण समय आने पे इस बात का भी खुलासा किया जाएगा कि किससे 5 लाख रुपये एसपी साहब ने लिया। अच्छा, एक अहम सवाल है, अब चूंकि धाराएं दर्ज हो गई, मामला दर्ज हो गया, प्रकरण हो गया, कल जो है एक बीजेपी का आंदोलन है जो किसान आंदोलन, क्या आप उपस्थित होंगे? आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित और शोषितों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। इस प्रकार की अगर झूठी कार्रवाई हम पे हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान और दलित शोषित की आवाज़ उठाना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बंद कर दे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इनकी अन्यायपूर्ण नीति के खिलाफ लगातार लड़ता रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के नाते महेंद्र सोलंकी कल 11 बजे किसान आक्रोश रैली में शामिल होगा और इनके खिलाफ आंदोलन करेगा। एक और अहम सवाल यहाँ बनता है भाई साहब, क्योंकि आपका आप सांसद है, विशेषाधिकार भी बनता है आपका लोकसभा में। पुलिस तैयारी कर रही है कि राज्य सरकार से लेकर लोकसभा स्पीकर को ये पूरे घटनाक्रम की वो पत्र के माध्यम से बिल्कुल जानकारी दें। तो आप अपना अपना पक्ष किस तरह से रखेंगे लोकसभा स्पीकर के सामने? देखिए, लोकसभा स्पीकर साहब को मैं, यदि मेरे से पूछा जाएगा, दूरभाष पे बातचीत हुई, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, यदि पूछा जाएगा तो मैं अपना जो भी पक्ष होता है मैं पूरी तरह से रखूंगा। मेरे ऊपर असत्य कार्रवाई की है। एक सामान्य व्यक्ति को भी अगर वीडियो दिखा के पूछा जाए कि महेंद्र सोलंकी ने दीवार तोड़ी है या नहीं, तो जवाब नहीं में आएगा।